दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा परिवार है जो सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर बीमारियां जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे बीमारियों का कारण बनता है। नोवेला कोरोना वायरस का तात्पर्य एक नए कोरोना वायरस से है। यह 2019 के कोरोना वायरस की तरह है जिसे पहले कभी इंसानों में नहीं देखा गया, मगर अब ये इंसानों में देखा जा रहा है। इसके लक्षणों की बात करें तो यह वायरस पर निर्भर करता है, मगर इसके कुछ सामान्य संकेत भी हैं, जैसे श्वास संबंधी लक्षण, बुखार, खांसी, सांस में कमी और सांस लेने में तकलीफ। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में यह निमोनिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आदि का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इस नए कोरोना वायरस से बचाव और इलाज में एंटीबायोटिक कारगर है, तो नहीं, एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस के खिलाफ काम नहीं करते, ये केवल बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं। नोवेल कोरोना वायरस एक वायरस है, इसीलिए एंटीबायोटिक का उपयोग इलाज या रोकथाम के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज है? दोस्तों, इस नए कोरोना वायरस का कोई विशेष इलाज नहीं है, हालांकि कई लक्षणों का इलाज कर सकते हैं और इसीलिए इसका इलाज मरीज की स्थिति के आधार पर किया जाता है। क्या ये पालतू जानवरों से फैल सकता है? दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये वायरस यानी कि कोरोना वायरस पालतू जानवरों से फैल सकता है? वर्तमान में ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं आया है जो कि पालतू पशुओं जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि ये एक अच्छा आइडिया है कि आप अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं, खास करके जब आपने पालतू जानवरों को पकड़ते हैं। कोरोना वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ गाइडलाइन तैयार की है। हाथों को साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या फिर टिश्यू पेपर ढककर रखें या हाथों का इस्तेमाल करें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। जंगली जानवरों के साथ असुरक्षित संपर्क से बचें। तो दोस्तों, ये है कोरोना वायरस से बचने के कुछ तरीके जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद यही करते हैं कि आप इन सभी गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, आपका वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज की जानकारी पाएं सबसे पहले।